हो गए थे क्या? चलो फटाफट एक बार अपन बात कर लेते हैं इन सब के बारे में। ऑन टू फंक्शन कब कहते हो आप? कब ऑन टू होगा? अगर आइडेंटिफाई करना हो इन टू ऑन टू में तो कैसे बताते हो, बताओ। जब कोड डोमेन के सारे एलिमेंट्स मैप हो जाएं। ओके, यानी कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फंक्शन का रेंज फाइंड करेंगे। अगर रेंज कोड डोमेन के इक्वल आ गया तो यानी कि ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अगर रेंज जो होगा प्रॉपर सबसेट हो किसका, कोडोमेन का, तो क्या कहलाएगा, इन टू कहलाएगा। अगर इनटू कोडोमेन प्रॉपर सबसेट हो जाए रेंज का तो क्या वो फंक्शन कहलाएगा? नहीं, ठीक है ना, फंक्शन ही नहीं होगा सर। बिल्कुल। उसके बाद अपन इवन ऑड के बारे में बात किए थे। आपको पता है इवन फंक्शन कब बोलते थे अपन? अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स आ जाए तो अपन इवन फंक्शन बोलते थे, नहीं? और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है सबको, बताओ। यस सर। और आपने देखा था जो जरूरी नहीं है, जो फंक्शन को अपन दो कैटेगरी में रखे, या तो इवन या ऑड, तीसरा भी हो सकता है, नाइदर इवन नॉर ऑड, यानी कि नैनो वाला भी हो सकता है, नहीं? अब उसके बाद आपने पढ़ा था जो एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एक लौता फंक्शन है जो क्या है, इवन भी है और ऑड भी है। क्लियर है सबको? यस। ठीक है जी। और आपने बताया था जो इवन फंक्शन जो होता है वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, उसका ग्राफ किसके अबाउट? y एक्सिस। y एक्सिस। और ऑड फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये भी एक की पॉइंट था, जब इवन फंक्शन में अल्फा गोमा बीटा हो तो क्या, अगर फंक्शन इवन होगा तो माइनस अल्फा गोमा बीटा भी होना चाहिए उसमें, बताओ? यस सर। होना चाहिए। अगर यहाँ पे अपन ऑड फंक्शन के बारे में बात करें, अगर ऑड फंक्शन में अल्फा गोमा बीटा होगा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो क्या होना चाहिए, माइनस अल्फा माइनस बीटा भी होना चाहिए, जी सर। ऐसा आप बोलोगे, बताओ? जी सर। हाँ चलेगा, ये रहा तुम्हारा। उसके बाद ग्राफ व्राफ देख लिए थे। और देखो तो यहाँ पे तुमने बोला था जो सर अपन किसी भी फंक्शन को ना, कोई सा भी फंक्शन आ जाए चाहे वो इवन ऑड हो भी ना हो, उसको अपन इवन और ऑड के टर्म्स में लिख सकते हैं, याद है सबको? यस सर। तो यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू ये क्या हो जाएगा, इवन होगा। इवन फंक्शन। एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और साथ में एक चीज और आपने याद रखा था सर, जब भी अपने को एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स दिखेगा डायरेक्ट बोल देंगे इवन है। एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स दिखेगा तो डायरेक्ट अपन बोल देंगे ऑड होगा, चलेगा जी? देखो ये वाला, ये वाला यस। गुड। उसके बाद ये छोटा छोटा क्वेश्चन था, मैक्सिमम से हो गया था सॉल्व। और ये वाला भी आपने फिल कर दिया था, अगर ऑड प्लस ऑड हो तो क्या होगा, उसका सम क्या होगा, ऑड ऑड क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या होगा, ऑड 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 इनटू जी एक्स एफ एक्स इवन अपॉन इवन। टू। बहुत बढ़िया। ऐसे ही अगर ऑड इवन हो, एक फंक्शन अपना ऑड हो दूसरा ऑड हो, तो उसका सम क्या होगा, नाइन हो, सब्ट्रैक्ट नैनो। करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या आ जाएगा, नाइन हो। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑड, डिवाइड कर और देंगे ऑड, ये सब याद है ना, क्लियर है? यस। हाँ चलेगा। अब उसके बाद हमने बताया था अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इवन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऑड होगा। बोलो, अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ऑड नहीं और मिलेगा, तो डिफरेंशिएशन उसका ऑड होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये काम आएगा जब बड़ा जंग लड़ेंगे अपन, मतलब थोड़ा तगड़ा सा क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें ये सब यूज होगा, ठीक है? अगर ऑड फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इवन। इवन आएगा, चलेगा जी? यस सर। ठीक है। अब हमने बोला था अगर कोई और फंक्शन हो, अगर वो जीरो पे डिफाइंड हो तो क्या होगा, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो होगा। फंक्शन जीरो। यस सर। के डोमेन में अगर जीरो होगा तो वहां पे वो ऑड फंक्शन क्या वैल्यू देगा, जीरो वैल्यू देगा। क्लियर है सबको? यस यस सर। यस सर। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन किया था आपने, ए एम जी एम इनक्वालिटी लगा के, ठीक है जी, ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया था आपने, और ये छोटे मोटे क्वेश्चन किया था आपने फटाफट। चलिए इस वाले क्वेश्चन को कीजिए, तो इवेंट।
सर x पे डिपेंड करेगा वो सर, अगर x इंटीग्रल है तो फिर बस रो में जीरो हो जाएगा सर, इंटीग्रल में जीरो हो जाएगा सर ऊपर वाला। बहुत बढ़िया, इसलिए वो इवन फंक्शन हो जाएगा। यस इवन, हां तो ये इवन होगा। देखो यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर आते ही आपको ख्याल आता है सर अगर इसमें इवन ऑड चेक करेंगे तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखोगे, माइनस एक्स लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वन बाय टू आ जाएगा। और एक अच्छा सा प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ करता था सर, जीरो इंटीजर के लिए और माइनस वन उसके लिए सर। बहुत बढ़िया, जीरो होता था जब एक्स अपना इंटीजर हो, अगर इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर तो क्या बोलोगे आप, माइनस वन, माइनस वन। अब सोचो अगर एक्स इंटीजर हो जाए, यहाँ पे भी अपने को दो कैटेगरी में बांटना पड़ेगा, ठीक है भाई बांट लेते हैं। केस वन, इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x अपना इंटीजर होगा तो क्या बोलोगे आप, ऊपर वाला जीरो हो जाएगा। yes, देखो तो इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे ये x इंटीजर हुआ तो साइन क्या हो जाएगा, n पाई टाइप का होगा, और साइन n पाई क्या होता है, साइन n पाई जीरो होता है, तो ऊपर वाला आ गया जीरो, तो क्या एफ एक्स अपना जीरो आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स भी जीरो आ गया और एफ एक्स भी जीरो आ जाएगा। बातें ये सही है, बताओ जैसे इंटीजर आया टू ले लो भाई आप, देख लो अगर टू यहाँ पे रखेंगे तो साइन टू पाई क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि एफ एक्स भी जीरो और यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स भी जीरो हो जाएगा। क्या बातें सबको क्लियर है, बोलो। यस यस सर। हाँ अब सोचो अगर इंटीजर ना हो केस टू तो क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है क्या आ जाएगा, ये इससे माइनस बाहर कर दे। यस सर। यस सर, क्योंकि साइन जो अपना ऑड फंक्शन है तो माइनस साइन पाई एक्स अपॉन, अगर इंटीजर नहीं है तो ये वाला यूज करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, इसको अपन यूज में लेते हैं। तो क्या आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, देखो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x जो है आपने बोला माइनस वन, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x इक्वल्स टू माइनस वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, चलेगा? यस सर। सर ऐसा मैं तो कर सकता हूँ 1 को उधर ले जाके हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दे 1 को, ऐसा इधर नहीं, हां क्यों नहीं कर सकते, तो इसको डायरेक्ट फिट कर दो यहां पे, क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वन बाय टू, ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है भाई? नो सर। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, माइनस साइन पाई एक्स अपॉन माइनस, अगर कॉमन ले लें तो नीचे में क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन बाय टू आएगा। यस सर। अब सोचो माइनस माइनस तुम गायब कर दो, कर दो गायब, तो देखो तो क्या ये एफ एक्स के इक्वल आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन बाय टू क्या ये एफ एक्स के इक्वल आ गया, आ गया। दोनों कंडीशन में अगर इंटीजर ना हो तब भी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स है, अगर इंटीजर है तब भी है, तो क्या ये फंक्शन अपना इवन कहलाएगा? yes, तो आंसर आ गया इवन। सबको क्लियर है ना, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट ले आओ, आधी जनता खत्म, ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं। यस यस सर। चलो इस वाले क्वेश्चन को करने वाले थे हम लोग, सर मॉड ऑफ जीआईएफ। यस सर। ओके ये हो गया था सॉल्व? यस सर। यस सर। गुड, सोचो सबसे पहले इसने दिया है जो एफ एक्स जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ तो सबको ड्रॉ करना आता होगा। ये आपका एक्स है राइट साइड में, आपको क्या क्या पता है, जीरो से लेके वन के बीच क्या देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, जीरो वन देता है, नहीं वन देता है ना, जीरो
जीरो और वन से लेके टू के बीच में वन देता है, वन और टू से लेके थ्री के बीच में टू देता है, टू ऐसे चलता जाएगा। ये y इक्वल्स टू वन आ गया, ये y इक्वल्स टू टू आ गया, ये y इक्वल्स टू थ्री आ गया। यहाँ पे ये वन है, यहाँ पे ये टू है, थ्री है, फोर है, चलता जाएगा। अब सोचो इसका एक अपन ना एक्सटेंशन देखते हैं। अगर ये फंक्शन अपना इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन जो होता है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है उसका ग्राफ। तो सोचो अगर इसको इवन फंक्शन बनाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिरर लाएंगे, इसका मिरर इमेज ले लें लेफ्ट साइड, यस सर, मिरर इमेज लेफ्ट साइड लेंगे। तो मिरर इमेज अगर लोगे तो देखो तो कैसा दिखेगा आपको, ऐसा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आएगा, फिर ऐसा आएगा। क्या बातें सबको क्लियर है, ऐसा बोलोगे। यहाँ देखो y इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे भी y इक्वल्स टू जीरो, ये y इक्वल्स टू वन आ गया, ये y इक्वल्स टू टू आ गया, और ये y इक्वल्स टू थ्री आ गया, ऐसा है क्या? Yes, sir. तो क्या नाम दिया जाए इसका, इसको क्या बोलोगे? It is integer of minus x. बिल्कुल, इसने जो बोला क्या सबको समझ में आया? याद करो जब तुम पढ़ रहे थे तो बोले yes, इधर वाला y equals to fx होगा और इवन होगा तो इधर वाले का ग्राफ क्या होता है, y equals to f of minus x, ऐसा होता है क्या? Yes, extension of graph, ऐसा होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को अपन क्या बोल देंगे, क्या ये y equals to minus, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स बोलेंगे? अगर ऐसा बोलेंगे तो अपना काम चल जाएगा क्या? देखो तो अगर तुम यहाँ से जीरो से लेके माइनस वन तक रखते हो, ये तुम्हारा माइनस वन है, यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे ये माइनस थ्री है, ये वाला तुम्हारा माइनस फोर है। सोचो जीरो से लेके माइनस वन तक रखोगे तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास क्या पहुंचा, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास वही पहुंचा जो इधर पहुंच रहा था जीरो से वन? बताओ, बोलो, ऐसा है क्या? नहीं आया समझ में सबको? देखो जीरो टू वन जो है ना, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के बारे में बात करो, जीरो टू वन में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दिया तुमको? जीरो दिया, ठीक है। अब सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास क्या पहुंचा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास पहुंचा जीरो टू वन, उसने बोला जीरो टू वन में तो मैं जीरो देता हूँ, दे दो। अब यहाँ पे अगर तुम वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स है, अब यहाँ पे सोचो इनपुट तुम क्या रख रहे हो, तो जीरो टू माइनस वन रख रहे हो, और एक माइनस पहले से बैठा हुआ है, जो इनपुट आ रहा है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर को दे रहा है, तो सोचो फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर को वही पहुंच रहा है जीरो टू वन। यस सर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या सेम आउटपुट देगा? बिल्कुल देगा, समझे क्या? हाँ ना बताओ सर, इसका एक आंसर मॉड ऑफ जी आई एस एक्स माइनस वन भी हो सकता है। क्या चीज? तो इसका एक आंसर मॉड ऑफ जी आई एस एक्स माइनस वन भी हो सकता है। मॉड ऑफ जी आई एफ माइनस एक्स, सर एक्स, सर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, तो माइनस वन मॉड के बाहर रहेगा सर। क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा बोल रहे हो क्या तुम? तो मतलब मैं बता रहा हूँ ये भी एक आंसर हो सकता है शायद। ओके, इसमें मॉड अपन इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, नहीं? अगर मॉड अगर लगाओगे यहाँ पे, कोई ये बच्चा बोल रहा है अगर सर यहाँ पे मॉड लगा दो तब क्या होगा, तो अगर मॉड लगाएंगे तब भी तो, तब तो दोनों साइड का ग्राफ मतलब बिल्कुल कह सकते हैं, और साथ में इसमें कंडीशन रखना पड़ेगा इफ एक्स लेस देन जीरो। तो वो तो क्वेश्चन में पहले दे रखा है। हाँ, ये अपने को कंडीशन साथ में बोलना पड़ेगा ऐसा। अगर तुम मॉड लगाते हो, मॉड लगाओगे अंदर में तब भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। यहाँ पे कोई मॉड लगा दिया, बोला मॉड ऑफ एक्स लिख लेते हैं ऐसा, लेकिन मॉड ऑफ एक्स रखोगे ठीक है, जीरो से छोटा यही वही तो है, पीस वाइज डिफाइन होगा तो इनमें वही आ गया, यही तो है,
अगर x greater than 0 होगा तो ये आ जाएगा, अगर x less than 0 आएगा तो ये आ जाएगा। अरे ठीक है ना, ये चलेगा? यस सर। हाँ सिंपल है ना, कोई मतलब बहुत टफ काम तो नहीं है ना ये वाला? नहीं है। चलो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, ये आईआईटी जेईई का है। 5 टू इनफिनिटी। 5 टू इनफिनिटी, क्या सबने सबसे हो गया ये सॉल्व? चलो रोहन बताओ क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सर तीनों सर ये ऑड है तो सर तीनों फंक्शंस को ऑड होना पड़ेगा, और सर तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x2 + 1 / a को ऑड होना पड़ेगा, पर वो जनरली इवन रहता है तो उसको जीरो होना चाहिए, तभी उसी केस में वो ऑड और इवन होगा। तो उसको इक्वल जीरो होने के लिए सर डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर की ग्रेटेस्ट वैल्यू 4 है, 5 है, तो सर a की वैल्यू रेंज आ जाएगी 5 टू इनफिनिटी। यस सर। सही है, गुड। क्या ये सबको समझ में आया? क्या इसने बोला जो सर ये ऑड बोला है, अपने को बोला है ऑड फंक्शन है, तो fx देखो यहां पे क्या है, ये x क्यूब प्लस sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/a। थोड़ा सोचेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। अब सोचो ये तुम्हारा ऑड है, ये तुम्हारा ऑड है, तो अगर फंक्शन ऑड होगा तो ऑड प्लस ऑड क्या आता है? ऑड आता है, तो यानी कि इसको भी ऑड टाइप का होना चाहिए, बताओ, तभी जाके ना ऑड होगा। तो इसको ऑड होने के लिए ऐसे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? कॉन्स्टेंट वैल्यू देगा मान के चलो, तो यानी कि ये अपना मामला खराब कर सकता है। ये वाला सोचो, यहाँ पे चलो 5 ले लेते हैं, एक बार ऐसा सोच ले चलो 5 ले लेते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होगा बताओ? यस सर, ऑड प्लस इवन टाइप का आ जाएगा, तो फिर वो फंक्शन नैनो हो जाएगा ना। अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए ऑड। तो ऑड तब पॉसिबल है जब ये जीरो हो जाए। ऑड कब पॉसिबल है? जब ये वाला जीरो हो जाए। बातें समझ में आ रही सबको? जब ये वाला जीरो तभी जाके ये ऑड पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, नहीं तो नैनो हो जाएगा। तो ये वाला जीरो कैसे होगा पहले इतना बताओ, यहाँ इतना सबको क्लियर है? ये ऑड है, ये ऑड है, तो इसको भी ऑड होना पड़ेगा। यस सर। ऑड होने के लिए अब सोचो इसको जीरो कैसे करोगे? तुमको x का यहाँ पे लिमिट दे रखा है, जो x तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक है, -2 से लेके 2 तक है। ये जीरो तब हो सकता है जब अंदर वाला पार्ट यानी कि 0 to 1 हो। हाँ 0 to 1 हो, यानी कि 1 से छोटा 0 से बड़ा हो, तब देता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर के तरह। यस सर, जीरो देता है। चलो इस पे बात करते हैं। तो अपने पास जो यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है, x अपना कहाँ से कहाँ तक है? क्या x अपना -2 से लेके 2 तक है? तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई? x स्क्वायर बताओ 0 to 4। ऐसा लिखोगे? क्योंकि बीच में 0 आया तो मिनिमम कहाँ पे देगा? 0 पे देगा। तो क्या अपन 0 to 4 बोल सकते हैं? बताओ, ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है? इसमें बहुत बातें कर चुके हैं पहले ही। अब सोचो प्लस 1 कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा? यस सर। अब सोचो अपना a ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा a अपना क्या होना चाहिए जो कि इसका वैल्यू मतलब इस वाले का वैल्यू लेस देन 1 कर दे, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 कर दे, क्या हो सकता है बताओ? क्या अपना a जो है अगर 5 से बड़ा हो जाए, अगर a अपना 5 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा? 1 से छोटा, 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटा होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 यस सर। अपने को चाहिए वो मिल गया, तो क्या अपन कह सकते हैं जो ये जो a होगा, a क्या अपना ग्रेटर देन 5 होगा तब क्या होगा? अगर a अपना ग्रेटर देन 5 होगा तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/a जो है, क्या ये 0 के इक्वल होगा? यस सर, ऐसा होगा। तो अपने से पूछा क्या है, a के बारे में ही तो पूछा है, तो a अपन बता सकते हैं a अपना क्या होगा? a बिलोंग्स टू 5 टू इनफिनिटी, यही होगा ना आंसर? अरे हां ना बोलो। यस सर, यस सर। थर्ड टर्म 0 ही क्यों होगा सर? थर्ड टर्म सर 0 ही क्यों होगा? जीरो, इसको मतलब देखो ये तुम्हारा ऑड, ये तुम्हारा ऑड, अगर तुम इसको जीरो नहीं बनाओगे ना तो सोचो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या क्या आएगा?
मतलब कुछ भी आए, माइनस टू से टू है मान के चलो, कभी वन आ गया कभी टू आ गया, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा? जो सोचो यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट आ जाए जीरो को छोड़ के, तो कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या कहलाता है? इवन फंक्शन कहलाता है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू टू के बारे में बात कर ले, इवन फंक्शन है ना, तो सोचो ऑड प्लस इवन क्या कहलाएगा? नैनो कहलाएगा। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ऑड। तो ऑड बनाने के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है, जब इसका वैल्यू जीरो हो जाए, और इसका वैल्यू जीरो तब हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला पार्ट अपना क्या हो, ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन हो जाए। समझ में आया? अरे हाँ ना बताओ। यस सर। हाँ, तो हमने देखा जो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का जो अपर लिमिट है वो क्या है, तो लेस देन इक्वल टू फाइव बोल रहा है, तो यानी कि ए अपना अगर फाइव से बड़ा हो जाए तो अपन कह सकते हैं ये वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये वाला वैल्यू वन से छोटा होगा। अगर वन से छोटा होगा अंदर वाला पार्ट, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। सबको आया कि नहीं? यस सर। यस सर। गुड। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, ये मजेदार क्वेश्चन है। -17। यस सर। गुड। कुछ बताओ सॉल्व हुआ है? किस किस ने सॉल्व कर लिया इसको? यस सर। सर हो गया। हो गया। आदित्य, रोहन सर, ये सब आपने होमवर्क में दिया था क्या? हाँ हाँ, होमवर्क आपने मॉड्यूल से कहा था। मॉड्यूल से कहाँ बोला था? मॉड्यूल से बोला था इस वाले को ट्राई करना घर पे, सोचो। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वैसे ही। एफ एक्स इक्वल्स टू अपने पास क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स टू द पावर 7 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस 5। चलो थोड़ा सोचते हैं, हमें फाइंड करना है। एक बार सोचते हैं अच्छे से। देखो हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 7 फाइंड करना है, और हमें गिवन क्या है, एफ ऑफ माइनस 7 गिवन है, एफ ऑफ माइनस 7 7 गिवन है। अब तुम इसको हटा दो, लास्ट वाले माइनस 5 को हटा दो, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऑड फंक्शन है, इसको अपन लेट कर लेते हैं जी एक्स के इक्वल। ये अपना क्या है, ऑड फंक्शन है। इसको कहने में किसी को दिक्कत है? ये वाला ऑड है, नहीं है ना? तो अभी देखो जी एक्स तुम्हारा जो आया है, जो तुमने लेट किया है, वो क्या है भाई, ए एक्स टू द पावर 7 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स, और ये तुम्हारा ऑड है, ऐसा है, चलेगा। अब सोचो इसके बारे में भाई, ये ऑड है, तो क्या तुम बोलोगे ऑड फंक्शन के बारे में? एक बार थोड़ा सा सोचो, अगर ऑड फंक्शन में मैं बोलूं अल्फा को वहां बीटा है, तो माइनस अल्फा पे क्या वैल्यू देगा? माइनस बीटा देगा। माइनस बीटा, माइनस बीटा देगा। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। सोचो अभी जो तुमको ये वाला गिवन है एफ ऑफ 7 माइनस 7 जो है, एफ ऑफ माइनस 7 को क्या लिख सकते हो? अभी तुमने एफ एक्स को क्या लिख दिया भाई, एफ एक्स को तुमने लिख दिया जी एक्स माइनस 5, ऐसा लिखा है? Yes, ऐसा लिखा है। तो सोचो एफ ऑफ माइनस 7 जो होगा, क्या ये जी ऑफ माइनस 7 माइनस 5 होगा? बताओ, ऐसा दिक्कत है? नहीं है। तो सोचो एफ ऑफ माइनस 7 का वैल्यू तो तुम्हें पता है, एफ ऑफ माइनस 7 का वैल्यू तो तुम्हें पता है कितना है, 7 है। क्या यहाँ पे 7 रख दें? 7 equals to g of minus 7 minus 5. तो सोचो g of minus 7 क्या आ जाएगा? क्या ये 12 के इक्वल आएगा? g of yes, minus 7 अगर 12 के इक्वल है, और ये फंक्शन अपना ऑड है। अब मुझे एक बात बता दो, ये तुम्हारा ऑड फंक्शन है, और g of minus 7 पे ये तुम्हें 12 दे रहा है, तो g of 7 पे क्या देगा? -12। क्या यूज आया वो वाला कॉन्सेप्ट जो बोला था मैं? यस सर। बड़े लड़ाई में यूज करेंगे, ठीक है ना? तो आ गया वो टाइम। अब सोचो तुमसे अगर मैं इसमें पूछूं, इस वाले में यहाँ जो तुमने लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स माइनस 5 लिखा है, अगर यहाँ पे मुझे चाहिए एफ ऑफ 7,
तो मैं बोल सकता हूँ जो f of 7 equals to g of 7 minus 5 कर लो भाई, और g of 7 तुम्हें पता है कितना है? g of 7 क्या है तुम्हारा? minus 12. तो क्या यहाँ पे minus 12 minus 5 हो जाएगा? क्या ये minus 17 आंसर आएगा तुम्हारा? अरे आया कि नहीं आया? यस सर आया. यस गुड. अच्छा क्वेश्चन नहीं है सर. डिफरेंशिएशन से आंसर क्यों नहीं आया? f डैश x करके. क्या f डैश x करके? हाँ सर, उससे क्यों नहीं आया? f डैश x, f डैश x इवन होगा तो. ओके f डैश x इवन होगा. सबसे पहले तो तुम मुझे बताओ ये वाला फंक्शन क्या है तुम्हारा? ऑड है पूरा? नो सर. नहीं है ये तो तुम्हारा नैनो है. यस ओके सर. तुमने इसमें ये वाला पार्ट हटाया ना. हाँ, इसमें स्टार लगाओ और रिवीजन के टाइम पे ये वाला क्वेश्चन जरूर करना. ठीक है, आगे बढ़े, उसको टाटा बाय बाय करते हैं. अब स्टार्ट करते हैं अपन कौन सा? पीरियोडिक फंक्शन. ठीक है, बहुत बार आ रहा था इसका पीरियड ये है वो है. आज अपन जान ही लेते हैं क्या है भाई पीरियोडिक फंक्शन. कब कहोगे किसको पीरियोडिक फंक्शन आप बोलते हो? अभी तक आपको क्या पता है? एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपना ग्राफ रिपीट करे सर. बिल्कुल, उसको अपन पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे. अब सोचो जैसे एग्जांपल के लिए अपन एक ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स. ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा सर साइन एक्स का चलो ग्राफ तो हमें पता है, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो. y एक्सेस x एक्सेस सिंपल सा है, ये समझना है अच्छे से, इंपॉर्टेंट भी है. ऐसा ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा जीरो है, पाए है, टू पाए है, थ्री पाए है, फोर पाए है, माइनस पाए है, माइनस टू पाए. अब इसमें देखो तुम, यहाँ पे तुमको दिख रहा है जो तुम अभी तक जो याद किए हो ना वो फंडामेंटल पीरियड के बारे में बात किए हो. जैसे साइन का फंडामेंटल पीरियड होता है 2 पाए. अगर किसी बच्चे ने बोला चलो साइन का पीरियड सर मैं 4 पाए बोलूँगा, मैं कोई बोलेगा मैं 6 पाए बोलूँगा, क्या वो गलत बोल रहा है? बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा है. हमें जो पता है हम जो पीरियड निकालते हैं वो फंडामेंटल पीरियड निकालते हैं, और फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? लीस्ट वैल्यू होता है पीरियड का. चलो यहां पे देखो, अगर तुम बोलोगे जो f ऑफ x प्लस 2 पाई, तो क्या ये भी साइन ऑफ x प्लस 2 पाई किसके इक्वल होता है? साइन x. बिल्कुल साइन x के इक्वल होता है. यानी कि तुम्हें क्या मिला? f ऑफ x प्लस 2 पाई इक्वल्स टू एफ एक्स मिला. ऐसा अगर तुम इसमें थोड़ा सा और चेंज कर लो और बोल दो f of x plus 4 pi, क्या sin of x plus 4 pi क्या होता है? sin of x plus 4 pi क्या होगा? sin x होगा. sin x होगा तो क्या यहाँ से भी fx आएगा? अरे जब पढ़ रहे होगे ट्रिगो तो एक चीज तो पढ़ा होगा ना, sin x plus 2n pi equals to क्या होता है? sin x होता है. ऐसा होता है. और साइन ऑफ एक्स माइनस टू एन पाई ये भी क्या होता है? साइन एक्स होता है. बोलो. यस सर. इसका मतलब नहीं समझ में आया? सोचो कुछ इस टाइप का. अगर ऐसा बोल दिया साइन ऑफ एक्स माइनस टू पाई, मतलब कोई क्या कर रहा है, पहले इधर घूमा चारों तरफ. अगर तुम क्लॉक वाइज घूमते हो तो थीटा क्या लेते हैं? निगेटिव में लेते हैं अपन. यस सर. और पूरा तुमने घूम लिया तो कितना एंगल कवर कर लिया? 2 पाई. यस सर. अब इसमें 2 पाई करने के बाद तुमने सोचा नहीं सर अभी तो अपन क्लॉकवाइज घूमे, अब मैं थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, तो क्या यहाँ पे आएगा? ये प्लस एक्स हो जाएगा. तो सोचो इसका भी तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आया ना. यस सर. तो क्या लिखेंगे अपन? साइन एक्स ही लिखेंगे. आया समझ में? नहीं आया तो फिर से बताओ. माइनस कॉमन ले सकते हो, बाहर कर लो, ऑड फंक्शन है, माइनस बाहर आ जाएगा. अब अंदर क्या बन जाएगा? साइन 2 पाई माइनस एक्स बन जाएगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में तुमने उसको फेंक दिया,
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है अपना, माइनस होता है, नेगेटिव होता है, तो फिर से माइनस आया बाहर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एक्स बन गया, चलेगा? इसको हटा दिया जाए, इतना सबको क्लियर है, है? तो सोचो साइन यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई भी क्या होगा, एफ एक्स के इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस फोर पाई भी क्या एफ एक्स के इक्वल होगा, बताओ, ऐसा बोलने में कोई दिक्कत है आपको? नो सर। अगर मैं बोलूं एफ एक्स प्लस सिक्स पाई, आप बोलोगे सर तब भी एफ एक्स होगा, बहुत बढ़िया। अगर किसी ने बोल दिया एक्स प्लस यहाँ पे टू एन पाई, तो क्या ये भी एफ एक्स के इक्वल होगा? होगा। अगर किसी ने बोल दिया जो एफ ऑफ एक्स माइनस टू एन पाई, तो क्या ये भी एफ एक्स के इक्वल होगा? होगा। यहाँ पे देख लो अपन साइन के बारे में बात कर रहे हैं, ये बातें सबको क्लियर है। अब सोचो अगर बोलेगा सर यहाँ पे तो टू पाई पे भी रिपीट कर रहा है, टू पाई पे भी साइन एक्स आ रहा है, फोर पाई पे भी साइन एक्स आ रहा है, सिक्स पाई पे भी साइन एक्स आ रहा है, एट पाई पे भी साइन एक्स आ रहा है, तो क्या ये इसका पीरियड नहीं कहलाएगा? तो तुम बोलोगे हाँ पीरियड तो है, लेकिन हमें चाहिए फंडामेंटल पीरियड, जो तुम्हारा पीरियड का वैल्यू आया उसमें बताओ सबसे लिस्ट वैल्यू क्या आ रहा है। तो जो लिस्ट वैल्यू आता है उसको आप क्या बोलते हो? लिस्ट पॉजिटिव पीरियड जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पीरियड। बात समझ में आ रही है? बताओ। यस सर। यस सर। तो अब सोचो जैसे ये मैं बोल दूं ये ग्राफ जो है y इक्वल्स टू साइन x का है, तो यहाँ पे ये जीरो है, यहाँ पे ये पाए है, ये टू पाए है, ये थ्री पाए है, फोर पाए है, फाइव पाए है, सिक्स पाए, सेवन पाए, एट पाए। तो अपन देखे भाई अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये कब चेंज कर रहा है, मतलब कब रिपीट कर रहा है, तो यहाँ से ऐसे गया ऐसे फिर से देखो रिपीट कर रहा है, यानी कि लिस्ट पॉजिटिव पीरियड जो होगा क्या वो अपना टू पाए होगा? बताओ। अरे लिस्ट पॉजिटिव पीरियड जो होगा क्या अपना वो टू पाई होगा, ऐसा आप बोलोगे? यस सर। अगर कोई बच्चा बोले सर मैं तो यहाँ से ना यहाँ पे देखूंगा, चलो आप ले लो यहाँ से लेके यहाँ पे फोर पाई, ग्राफ देख लो क्या फिर से ये आगे सेम चीज रिपीट कर रहा है? कर रहा है। वो बोलेगा पीरियड तो मैं एट फोर पाई बोलूंगा, तो तुम बोलोगे हाँ बताओ पीरियड तो फोर पाई है भाई, मेरे को लिस्ट बता दो, फंडामेंटल पीरियड बता दो, हमें तो उसके बारे में जानना है। तो फिर अपन देखेंगे जो भाई कब ये रिपीट कर रहा है लिस्ट वाला, तो तुमने देखा ये टू पाए, टू पाए के बाद फिर से रिपीट कर रहा है, समझ में आया? हाँ। तो अगर अपन पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं तो पीरियड जो होगा कोई पीरियोडिक फंक्शन इस वाले को फॉलो करेगा, एफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स। जैसे यहाँ पे टी इक्वल्स टू तुम क्या क्या बोल सकते हो टी के बारे में बताओ, कोई बच्चा क्या क्या बोल सकता है? टी इक्वल्स टू क्या होगा? टू पाई होगा, फोर पाई होगा, सिक्स पाई होगा, टू एन पाई होगा, ऐसा बोल सकता है? बताओ। यस सर। ऐसा बोल सकता है, तो यानी कि t इक्वल्स टू ये सब चलेगा इस साइन में। कोई बच्चा बोले जो t इक्वल्स टू सर टू पाई लिखे तो हाँ बिल्कुल सही है भाई, फोर पाई वो भी सही है, सिक्स पाई वो भी सही है, सब चलेगा। और t जो आता है होता है अपना वो क्या होता है? t अपना पॉजिटिव होता है, t अपन नेगेटिव नहीं रखते हैं। बातें क्लियर है सबको अभी तक? तुमने क्या क्या सीखा? हाँ तो नेगेटिव क्यों नहीं रख सकते? नेगेटिव क्यों नहीं रख सकते? मतलब ये पहले से डिफाइन कर रखा है, तो देखो टी जो है ना वो पॉजिटिव रखेंगे, यहाँ पे एन लगा लो तुम कोई दिक्कत नहीं है, एन यूज कर लो, एन तुम्हारा नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। जैसे एफ एक्स प्लस एन टी इक्वल्स टू एफ एक्स होगा, अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो इसको फॉलो करेगा, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? एफ एक्स माइनस एन टी के। यस सर। हाँ, तुम्हारा n, तुमको जो नेगेटिव पॉजिटिव करना है n को चेंज कर लो। उसने बोला t जो है ना, जब भी अपन पीरियड के बारे में बात करते हैं तो पीरियड अपन पॉजिटिव बात करते हैं, ऐसा नहीं जो माइनस टू पाई बोल दिए, ऐसा नहीं, अपन टू पाई बोलेंगे, ठीक है ना? क्लियर है सबको? बताओ। यस सर। चलेगा। तो अगर अपन फंडामेंटल पीरियड अपन देख लिए, यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? जैसे साइन का फंडामेंटल पीरियड क्या बताओगे? लिस्ट 2π वैल्यू, तो 2π बताओगे, तो यानी कि t इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बोल देंगे अपन? 2π बोल देंगे।
अब जो पूरे पीरियोडिक फंक्शन में यानी कि इसमें बात करने वाले हैं तो अपन फंडामेंटल पीरियड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ अब सोचो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है भाई, ये सब तो अपने साइन एक्स का पीरियड यानी कि टी इक्वल्स टू 2 पाई बोलते हो, और कॉस एक्स का क्या बोलते हो 2 पाई, और सेक एक्स का 2 पाई सॉरी कॉस एक्स और सेक एक्स इन दोनों का 2 पाई होता है। टेन का बताओ पाई, टेन का पाई होता है। कॉट का पाई, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का 1 होता है। अब सोचो एक और मजेदार बात है, साइन के पावर में ऑड हो ना, इन सब के पावर में अगर ऑड भी हो ना तो उसके पीरियड में भी कोई नहीं आता है, पीरियड यही होता है बिल्कुल। अगर सोचो साइन टू द पावर एन एक्स हो, ठीक है ना, और यहाँ पे जो एन है अपना वो क्या है ऑड है, तो पीरियड चेंज करेगा नहीं चेंज करेगा। ऐसे ही कॉस के पावर में यहाँ पे एन एक्स हो, एन अपना ऑड है, कॉस एक्स टू द पावर एन, sec x to the power n, इन सब का पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, और 10 के पावर में तो इवन ऑड कुछ भी हो कुछ चेंज नहीं होगा। समझ में आया क्या? ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के पावर में भी तुम ऑड लगाना चाहते हो लगा दो, चलेगा जी? बताओ। अब yes, अपन बात करते हैं इसके बारे में, जैसे sin to the power nx हो, cos टू द पावर एन एक्स हो, अगर एन अपना, चलो यहाँ पे इवन है, अगर एन अपना क्या हो ऑड हो, अगर एन ऑड होगा ठीक है ना, या फिर फ्रैक्शन होगा, तो उसके पीरियड में कोई चेंज आएगा, उसका पीरियड 2 पाई ही रहेगा, ठीक है ना। अगर तुम साइन क्यूब एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा सोचो, क्या वो रिपीट करेगा 2 पाई इंटरवल के बाद ही? यस सर, ऐसा होगा, क्योंकि ऑड है ना, ऑड क्या करता है, अगर माइनस वैल्यू आता है तो माइनस बाहर निकाल देता है, पावर अगर ऑड हो तो अगर अंदर माइनस बनना है तो माइनस बाहर निकाल देगा, यानी कि उसी के सिमिलर ग्राफ बनेगा, समझे क्या? हेलो, यस, नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो। अगर तुम यहाँ पे सोचो साइन टू द पावर यहाँ पे 3x का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, यही ग्राफ ना थोड़ा सिकुड़ जाएगा, ऐसा बनेगा, ऐसा थोड़ा अंदर आ जाएगा, यहाँ पे 1 पे 1 आ जाएगा, फिर अंदर आ जाएगा, समझे, ऐसा बन जाएगा। लेकिन ये रिपीट कब करेगा, तो फिर रिपीट करेगा वही 2 पाई पे, क्या आप ऐसा बोलोगे बताओ? चलो ये देख लिया, अगर अपन साइन स्क्वायर एक्स के बारे में बात करें या फिर कॉस स्क्वायर एक्स के बारे में बात करें तो इसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा बिल्कुल, यानी कि साइन एक्स टू द पावर इवन हो, ठीक है ना, चाहे cos x टू द पावर इवन हो, चाहे sec x टू द पावर इवन हो, और इधर cos x टू द पावर इवन हो, तो इन सब का जो पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, क्या बोलोगे आप, t इक्वल्स टू पाई बोलोगे? किसी को इसमें दिक्कत है तो पूछो, कह क्यों ऐसा है सर, किसी को परेशानी है इसमें, पूछ सकते हो, देख लेते हैं अपन। अगर सोचो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स के बारे में, ठीक है, अभी तक तुमको पीरियड इसके बारे में पता क्या था, साइन एक्स के बारे में पीरियड क्या पता था तुमको, 2 पाई होता है, तो 2 पाई पे चेक कर लो एक बार, देखो तो 2 पाई सच में इसका पीरियड है क्या, तो वो कैसे पता चलेगा, जब x प्लस 2 पाई जो है ना एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो क्या यहाँ से आप बोलोगे साइन x प्लस 2 पाई का स्क्वायर, अंदर में देखो तो क्या आ गया आपका, क्या ये साइन x का स्क्वायर आया, क्या ये साइन स्क्वायर x आया, तो तुमने यहाँ से क्या देखा, f ऑफ x प्लस 2 पाई जो है ना ये एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो तुमने अभी माना चलो सर इसका पीरियड तो मैं 2 पाई बोलूंगा, मैंने बोला नहीं यार पीरियड तो 2 पाई है लेकिन फंडामेंटल पीरियड 2 पाई नहीं है, तो बोलोगे ठीक है सर t बाय 2 पे चेक कर लेते हैं, जब अपने को चेक करना होता है तो कहाँ पे चेक करते हैं, t बाय 2 पे चेक करते हैं, तो t बाय 2 करो तो इसका क्या आएगा बताओ, पाई आएगा, तो अब चेक करो तुम f x प्लस पाई पे, अगर ऐसा करोगे तो क्या आएगा,
क्या बोलोगे साइन एक्स प्लस पाई का स्क्वायर, अंदर क्या बना, क्या ये माइनस साइन एक्स का स्क्वायर बनेगा, तो क्या ये साइन एक्स के इक्वल आया, बताओ। ऐसा बोलोगे साइन एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं अपन, क्या इसको एफ एक्स के इक्वल बोल सकते हैं, देखो तो ये एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो अब तुम बोलोगे सर इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो तो चेंज कर गया, फंडामेंटल पीरियड पहले आप बता रहे थे 2 पाई जब ऑड था, अब जब अगर पावर इवन होगा तो क्या फंडामेंटल पीरियड पाई हो जाएगा? अरे ऐसा होगा क्या? एक तो तुम उस थ्योरी से देख सकते हो, किस वाले थ्योरी से, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या? आ रहा है सर। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स था, तो अभी तुमने क्या देखा एफ एक्स प्लस पाई इक्वल्स टू, क्या ये एफ एक्स आया, तो क्या इसका पीरियड तुम फंडामेंटल पीरियड तुम पाई बोलोगे, ऐसा बोलोगे? चाहे तुम ग्राफ से भी देख सकते हो, ग्राफ सबको आता भी नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे देख लेते हैं। अब सोचो अगर यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स हो, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसका क्या होगा फंडामेंटल पीरियड? पाई 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 होगा, ठीक है। कैसे? तो सबसे पहले तो 2 पाई तो तुम ऐसे बोल दिए, अब t बाय 2 करके देख लेते हैं, t बाय 2 करेंगे तो क्या होगा, t बाय 2 करोगे तो क्या होगा, क्या ये x प्लस पाई अपन बात करें, देखते हैं क्या आता है। तो यहां से देखो साइन x प्लस पाई कर देते हैं, तो देखो तो अंदर में क्या बना, क्या ये माइनस साइन x बना, और मॉड ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स होता है, क्या मॉड ऑफ साइन एक्स के इक्वल आएगा, क्या ये एफ एक्स के इक्वल आएगा, ऐसा बोलोगे? यस सर। तो क्या तुम्हें पता चला इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या पाई होगा? तो इसका फंडामेंटल पीरियड तुमने बता दिया यहाँ से t इक्वल्स टू पाई होगा। अगर किसके किसी के मन में ख्याल होगा सर एक बार और हाफ करके देख लो, तो सोचो एक बार और हाफ करोगे ना, यहाँ पे पाई बाय 2 रखोगे ना, साइन जाएगा कॉस में, उसको अपन एफ एक्स से रिलेट नहीं कर पाएंगे। बातें सबको क्लियर है? अगर तुम ग्राफिकली भी देखना चाहोगे तो ग्राफ तो भी इसका सबको पता होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ऊपर ही ऊपर होते हैं, क्योंकि मॉड लेने के बाद नीचे वाले का अपन मिरर इमेज ले लेते हैं, ऐसा होता है क्या? 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं जो पीरियड जो हो जाएगा वो क्या होगा, पाई होगा, क्योंकि पाई के बाद रिपीट कर रहा है, तो टी इक्वल्स टू अपन क्या बोल सकते हैं, पाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें पता चल गया अगर पावर में क्या हो, इवन हो, अगर पावर में इवन होगा तो आप क्या बोलोगे, पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड पाई हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर इन सब में इन 10 के बारे में बात कर ले, कॉट के बारे में बात कर ले, 10 और कॉट के पावर में चाहे इवन हो या ऑड हो, पीरियड में कोई चेंज नहीं आता है। 10 स्क्वायर एक्स का भी पीरियड क्या होगा, पाई होगा, और 10 एक्स का भी पीरियड क्या होगा, तो पाई होगा, ठीक है ना, ये अपने को याद रहना चाहिए एलिमेंट्री फंक्शन क्या, अगर ये याद नहीं होगा तो आगे का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अपन। मॉड साइन मॉड अगर लगा दे तो क्या सबका पीरियड सेम हो जाएगा? यस सर, सबका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो इसके बारे में बात करते हैं अपन, जो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, कैसे अपन पीरियड फाइंड करेंगे। एलिमेंट्री फंक्शन का पीरियड आपको पहले याद होना चाहिए, साइन का क्या होता है, साइन स्क्वायर का क्या होता है, साइन क्यूब का क्या होता है, मॉड साइन का क्या होता है, ठीक है ना, इन सब का पीरियड आपको याद होना चाहिए। अगर याद होगा तभी आगे अपन चल सकते हैं, नहीं तो आगे कहीं भी फंस जाएंगे, ठीक है ना। अब सोचो हमने बोला कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसका पीरियड अगर फंडामेंटल पीरियड उसका टी है, तो अगर एक्स को अगर रिप्लेस कर दें एक्स प्लस के से, के तुम्हारा कॉन्स्टेंट है, तो उसके पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, तब भी उसका पीरियड क्या कहलाएगा, टी ही कहलाएगा, समझे। तो यहां पे देखो ये क्या आ जाएगा, टी ही आएगा पीरियड इसका सबका,
एग्जांपल के लिए सोचो यहाँ पे साइन एक्स प्लस फाइव है, क्या पीरियड चेंज होगा? और यहाँ पे सोचो साइन एक्स प्लस टेन कर दें, पीरियड चेंज नहीं होगा। चाहे यहाँ पे टेन टू द पावर टेन साइन एक्स कर दें, पीरियड सबका सेम होगा। यहाँ पे सोचो अगर मैं कर दूँ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, पीरियड में कोई चेंज नहीं। चाहे वन अपॉन साइन एक्स कर दे, वन अपॉन साइन एक्स को आप कोसेक एक्स बोलते हो, तो क्या पीरियड में कोई चेंज आएगा? पीरियड क्या आ जाएगा अगर यहाँ पे रखें तो? टू पाई बोलोगे आप? बताओ, सोल ये सब? हेलो, यस सर, यस सर। तो ऐसा बोलेंगे साइन एक्स का अगर पीरियड अपना 2 पाई है, तो अगर x को पर रिप्लेस कर दें x प्लस 5 से, चाहे यहाँ पे अपन लिख दें एफ एक्स प्लस के, यानी कि साइन एक्स प्लस 10 लिख दें, चाहे k की जगह पे यहाँ पे कांस्टेंट रख दिए 10 टू द पावर 10 साइन एक्स रख दिए, तो इन सब में पीरियड का पीरियड चेंज नहीं होगा। चाहे स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स हो जाए, चाहे 1 अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स हो जाए, तो पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है सबको? सर ये स्क्वायर रूट, सर ये सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए वैलिड है कि nth रूट के लिए? क्या चीज ये सर, रूट ऑफ एफ एक्स सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए कि कोई भी? ये वाला सबके लिए, ठीक है ना? तो अगर पावर में यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हो बताओ? 1/3 कर लो, कुछ नहीं चेंज होगा, वही होगा, ठीक है ना? अब चलो किसी से मैं पूछता हूँ, तुम बताओ अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू, चलो अतुल आरडीएसओ एक्स प्लस टेन है, इसका पीरियड क्या हो जाएगा? पहला, सेकंड एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस टेन टू द पावर टेन प्लस वन अपॉन टेन, इसका पीरियड क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन साइन एक्स प्लस हंड्रेड, इसका पीरियड क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल्स टू, चलो 1/100 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस टेन, इसका पीरियड क्या हो जाएगा? चलो अतुल आरडीएसओ बताओ तो इसका क्या होगा, फर्स्ट वाले का पीरियड क्या हो जाएगा? नहीं अब है, जब साइन की नेगेटिव वैल्यू होगी ना तो वहां पे ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, डोमेन का पार्ट ही नहीं होगा, ठीक है ना? चलो इसके बारे में बताओ, इसका पीरियड क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? One. तो इसका पीरियड आ जाएगा वन आ जाएगा, ठीक है ना? टी इक्वल्स टू अपन वन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या ये एक्स प्लस के टाइप का है, फ्रैक्शन पार्ट में अपन एक्स प्लस के टाइप का कर दिए तो पीरियड क्या आ जाएगा? पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ बताओ इसका पीरियड क्या आ जाएगा? ठीक है, चलो इसका पीरियड बताओ क्या होगा? 2π होगा, 2π होगा, ठीक है। इसका पीरियड बताओ? 1 होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये वाला अपन देखते हैं, अगर x को अपन रिप्लेस कर दिए ax प्लस बी से, ठीक है ना, तो पीरियड में चेंज आ जाएगा भाई। पीरियड में चेंज कैसे आएगा? आप एक सिंपल सा सोचो एग्जांपल, तो ग्राफ स्क्वीज कर जाएगा तो फिर वो टी बाय हो जाएगा। अगर एफ एक्स इक्वल्स टू, तुम यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो और एक ग्राफ ड्रॉ कर दो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन टू एक्स का, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा बोलते हैं 0π 2π 3π 4π ऐसा होगा। चलो इसका ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं। सर ये पाई बाय 2 पे 0 देगा। बिल्कुल, तो क्या करोगे, पहले तो यही इनपुट रख दो, साइन का बना दो 0π 2π 3π 4π 5π, क्या उसको 2 से डिवाइड कर दें? 2 से डिवाइड कर देते हैं हर एक को,
ऐसा कर दें। अब देखो तो ये चेंज जो हो रहा है वो कब हो रहा है, रिपीट कब कर रहा है, क्या जीरो से लेके पाई के बाद रिपीट कर रहा है फिर से, बताओ ऐसा है? यस सर। यस सर। हाँ तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई, और इस वाले का पीरियड क्या था भाई, टू पाई, पीरियड था टू पाई। तो तुमने देखा यार x को रिप्लेस किए हैं 2x से, तो क्या हम एक थ्योरी बना सकते हैं, अगर इसका पीरियड अपना t है तो इस वाले का पीरियड क्या t by 2 होगा? अपन बोल सकते हैं इसका पीरियड जो होगा, चलो ये t डैश बोल देते हैं, तो क्या ये t by 2 होगा, ऐसा बोल देंगे। यानी कि अब से अपन याद रख सकते हैं, अगर fx का पीरियड t है, fx का पीरियड अपना क्या है, t है, तो f of ax plus b का पीरियड क्या होगा, जो कोएफिशिएंट ऑफ x होगा उससे डिवाइड कर देंगे, t अपॉन मॉड a हो जाएगा, क्या आप ऐसा बोलोगे? यस सर। t अपॉन मॉड a बोलेंगे, मॉड a लिखा हुआ है ना कि डायरेक्ट a लिख देंगे, चलेगा जी? कोई दिक्कत है इसमें? पीछे कर दी नहीं है ना? नो सर। नो सर। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए जो, चलो मुझे ये बता दो, जो fx equals to sine of x by 2 plus 10 to the power 10, इसका पीरियड क्या होगा, तो क्या बताओगे? पाई। 4 पाई। 1 by 2 रखोगे तो क्या ये 4 पाई होगा? यस सर। इसकी जगह पे 1 by 2 है तो a से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। बातें क्लियर है ना, ये अपने को याद रखना है, ठीक है? यहाँ पे देखो ये लीनियर फंक्शन है ना कि x के पावर में 2 3 कुछ भी नहीं है, a x है, x है यहाँ पे, ठीक है ना, x के पावर में 1 होना चाहिए, लीनियर टर्म्स होना चाहिए। चलो इसके बारे में बताओ, इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 9/5। तो डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं t equals to 1/5/9, कोएफिशिएंट ऑफ x देखो क्या यही है 5/9, ऐसा है क्या? Yes, इसका पीरियड अपन बोल सकते हैं डायरेक्ट ये 9/5 होगा, ऐसा बोलेंगे, ठीक है? चलो अब अपन बात कर लेते हैं fx equals to, एक गंदा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, गंदा नहीं सिंपल सा, cos to the power 5 यहाँ पे 4x plus 10 to the power 10, ठीक है, इसका बता दो 5/2 हो जाएगा, mod cos 2x plus 10, 5/2 ऊपर वाले का 5/2 बोलोगे, नहीं क्योंकि cos to the 5 यानी कि odd वाले का क्या होता था, 2 pi होता था, 2 pi डिवाइड कर देंगे तो क्या ये t equals to 2 pi upon 4 हो जाएगा, तो क्या ये 5/2 आएगा आंसर? Yes, इसके बारे में बता दो, मॉड पाई होता था, तो क्या उस पाई को अपन 2 से डिवाइड कर दें, यही आंसर आएगा? यस सर। यस बिल्कुल, समझ में आ गया ना सबको क्या चल रहा है, ठीक है ना? देखो यार पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं तो लगे जो हाँ इच्छा है आपकी पढ़ने की। अब चलो इसके बारे में अपन बात करें, बहुत सारा क्वेश्चन है, करेंगे भी अपन। यहाँ पे बोला है जनरली इफ एफ एक्स हैज ए पीरियड टी देन द जी ऑफ एफ एक्स आल्सो हैज ए पीरियड टी, ठीक है ना, मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड टी। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन है, यहाँ पे ध्यान देना, सिंपल सा है, एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है ना, और एफ एक्स का जो पीरियड है वो कितना है, इसका पीरियड जो है वो टी है, ठीक है, और अगर अपन y equals to g of fx लिख रहे हैं, y equals to g of fx लिख रहे हैं, अगर अंदर वाला फंक्शन अपना पीरियोडिक होगा, अगर अंदर वाला फंक्शन अपना पीरियोडिक होगा तो ये फंक्शन अपना क्या कहलाएगा, क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है? अगर अंदर वाला फंक्शन अपना पीरियोडिक होगा तो फंक्शन अपना क्या कहलाएगा, पीरियोडिक कहलाएगा। देखो तो क्या ये y equals to g of fx जो है, क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना ऐसा? अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो जो अंदर वाला फंक्शन है अगर वो पीरियोडिक होगा
तो अपना फंक्शन क्या कहलाएगा, पीरियोडिक कहलाएगा, और उसका जो पीरियड होगा वो अपन टी कह सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल पीरियड टी नहीं बोल देंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, पहला सिंपल सा साइन एक्स, पहले सिंपल सा ले लेते हैं, y इक्वल्स टू, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ठीक है, देखो तो अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है। यस सर, यस सर, यस सर, तो अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो वो क्या देगा, देखो cos जो होता है मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो होगा, ये तो इसका पीरियड तो अनडिफाइन हो जाएगा, हटाओ इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाओ, तो जीरो होगा ना, अंदर वाला पीरियड, अंदर वाला फंक्शन क्या अपना पीरियोडिक है, yes, sir. Yes, sir. अंदर वाला फंक्शन अपना पीरियोडिक है और उसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, one. तो फंक्शन का ही पीरियड क्या कहलाएगा, इस फंक्शन का ही पीरियड वन कहलाएगा। यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल सर, आपने वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला भी हटा दिया था, वो अभी आगे पढ़ाएंगे ना, आगे जब पढ़ाएंगे जीरो जो आएगा ना, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो है तो इसको अपन पीरियोडिक बोलते हैं, लेकिन फंडामेंटल पीरियड उसका अनडिफाइन होता है, क्योंकि अगर उसको रिपीट करने का कोई बोलेगा ना, वन पे रिपीट कर रहा है कोई, बोला चलो हाफ पे रिपीट कर रहा है, अपन वो छोटा पार्ट बता ही नहीं पाते हैं। और फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है ना, ठीक है, अभी देखेंगे उसको। चलो अगर मैं बोलूं यहाँ पे y इक्वल्स टू e टू द पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, क्या ये पीरियोडिक है? Yes, sir. Composite yes, sir. फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो अंदर वाला फंक्शन कौन सा भाई, क्या अंदर वाला फंक्शन ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है, और अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक होगा, अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक होगा तो क्या फंक्शन अपना पीरियोडिक कहलाएगा, कहलाएगा। Yes, yes, sir. फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, तो वन होगा, चलेगा। अगर सोचो y इक्वल्स टू e टू द पावर यहाँ पे cos x हो जाए, तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या बताओगे, टू पाई बताओगे, ऐसा होगा। Yes, sir. अगर सोचो यहाँ पे y इक्वल्स टू ln ऑफ साइन एक्स हो जाए, तो देखो तो अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है ना यार। यस सर, यस सर, पीरियड क्या कहलाएगा, टू टू पाई हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब चलो एक मजेदार क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे कॉस ऑफ कॉस एक्स, और एक बोल देता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे कॉस ऑफ साइन एक्स, और एक एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ कॉस एक्स। चलो अब बताओ मुझे इसका फंडामेंटल पीरियड पहले तो आपने क्या बता दिया, जो सर इसका पीरियड 2 पाई होगा, आप बिल्कुल सही बता रहे हो, इसका पीरियड 2 पाई होगा, लेकिन अपन बात करेंगे फंडामेंटल पीरियड का, तो फंडामेंटल पीरियड चेंज करेगा, अपने को देखना है जो क्या ये जो हमने 2 पाई बोला है, 2 पाई में तो चलो रिपीट कर रहा है, क्या उससे कम वाला मतलब उसके हाफ से भी रिपीटेशन हो रहा है, चेक करेंगे अपन। तो बताओ इसका पीरियड तो आप अंदर वाले फंक्शन के बेसिस पे डिसाइड कर दिए, जो सर इसका पीरियड जो हो जाएगा वो 2 पाई होगा, इतना कहने में तो किसी को दिक्कत नहीं है? नो सर, नो सर। चेक करते हैं जो क्या इसका फंडामेंटल पीरियड चेंज हो रहा है क्या, टी बाय टू करो, तो टी बाय टू किसके इक्वल आएगा, टू पाई अपॉन टू, बोले तो क्या ये पाई के इक्वल आएगा, आएगा, इस पे चेक करते हैं। सो जो एफ एक्स प्लस पाई करें तो क्या होगा, क्या बोलोगे, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस पाई, ऐसा होगा। अब सोचो ये कॉस है, कॉस है, अंदर वाला क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस पाई, एक्स प्लस पाई किस क्वाड्रेंट में भेज दिया इसको, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव, क्या माइनस बाहर करेगा, तो माइनस आ गया, माइनस कॉस एक्स आ गया। अब भाई सोचो कॉस क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन माइनस को खत्म कर देता है, yes. तो माइनस हटा देगा, तो ये क्या आ जाएगा, क्या ये कॉस ऑफ कॉस एक्स होगा, तो देखो तो ये किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो तुमने देखा एफ एक्स प्लस पाई इक्वल्स टू एफ एक्स,
और तुमने तो पढ़ा ही था ना एफ एक्स प्लस टी जो होता है ना, और अगर एफ एक्स के इक्वल होगा तो फंडामेंटल पीरियड क्या कहलाएगा, ये टी पाई हो जाएगा, बताओ ऐसा होगा? किसी के मन में ऐसा सवाल हो सर मेरे को और आगे चेक करना है करो, जैसे टी बाई टू करोगे फिर से इस तो पाई बाई टू होगा तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा ना साइन में, तो आप एफ एक्स रिलेट ही नहीं कर पाओगे। समझ में आया सबको? बताओ। यस सर। हाँ चलो इसके बारे में बात करते हैं, ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले के बारे में पाई तुमने ऐसे देख लिया, अब एक बार चेक करते हैं एफ एक्स प्लस पाई पे चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस साइन एक्स प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है यार, तो माइनस बाहर आएगा कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स, अब कॉस इवन फंक्शन है तो माइनस को खत्म कर देगा, नहीं ओके बाय बाय टाटा, ऐसा होगा यहाँ पे टी इक्वल टू क्या आ गया, क्या टी इक्वल टू पाई आया आपका, बताओ ऐसा है। अब इस वाले में सोचो तो टू पाई हाँ, क्योंकि अगर अपन यहाँ पे एफ एक्स प्लस पाई पे चेक करें तो मामला गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है भाई, तो ये साइन है अंदर वाला माइनस कॉस बन जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा तो अपना काम तो नहीं बना ना यार, यानी कि चेक करने का कोई फायदा नहीं है, इसका पीरियड अपन 2 पाई ही बोलेंगे, ठीक है बोलो। यस सर। नॉट एफएक्स, ये समझ में आ गया ये वाला स्लाइड, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक होगा तो फंक्शन क्या अपना पीरियोडिक कहलाएगा, बताओ। यस सर। कहलाएगा, और जरूरी नहीं है जो उसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो, अंदर वाले फंक्शन के इक्वल हो, चेंज कर सकता है। चलो आगे बात करते हैं, इसके बारे में बता दो फटाफट पीरियड क्या क्या हो जाएगा, पहले का इसका पीरियड क्या कहोगे, पहले वाले का पीरियड क्या कहलाएगा, बताओ। हेलो सन्नाटा, पहले वाले का पीरियड क्या आएगा, 2 पाई आएगा सर, 2 पाई इसका पीरियड क्या आ रहा है, 2 पाई आएगा, अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है साइन, और उसका पीरियड कितना है, 2 पाई है। देखो चेंज कब करता है पता है, जब दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर मॉड इन्वॉल्व हो तब चेंज करता है, तब अपन टी बाई टू रूल पे चेक करते हैं, और इन सब में तो डायरेक्ट बोलेंगे अपन, कोई चेक वेक नहीं करना है। इसे बताओ क्या होगा, अंदर वाले फंक्शन वन होगा, ठीक है। इस वाले के बारे में बताओ, अभी चेक किए हो, अभी चेक किया था, 2 पाई बहुत बढ़िया। चलो इसके बारे में बता दो, पहला वाला 2 पाई सेकंड वाला 1 2 पाई ये वाला, फोर्थ वाला 1 फिफ्थ वाला 2 पाई ऐसा होगा, चलेगा? फिफ्थ वाले में दिक्कत है क्या, लास्ट वाले में? नो सर। चलो इसके बारे में बता दो, 5/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसा बोलोगे? ये अपन वो वाला यूज कर रहे हैं, टी अपॉन मॉड ए वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलो इसके बारे में बता दो, 2 पाई बाय 5 तो t equals to क्या हो जाएगा, 2π/5 हो जाएगा, यही आंसर आएगा, बहुत बढ़िया। चलो अब अपन एक चीज याद रखेंगे, अगर अंदर वाला फंक्शन, अभी आपने क्या पढ़ा था, पीरियोडिक कब बोलना है, जब अंदर वाला फंक्शन अपना पीरियोडिक होगा तब अपना फंक्शन पीरियोडिक कहलाएगा कंपोजिट फंक्शन में, अगर अंदर वाला फंक्शन अपना क्या हो, नॉन पीरियोडिक होगा
कंपोजिट फंक्शन में जो सबसे अंदर बैठा हुआ है वो अगर नॉन पीरियोडिक होगा तो क्या फंक्शन अपना नॉन पीरियोडिक होगा, ये याद रखेंगे। yes, समझे? अगर अपना जी एक्स नॉन लीनियर हो, नॉन पीरियोडिक होगा, तो अपन क्या बोल देंगे फंक्शन को? नॉन पीरियोडिक बोलेंगे। समझ में आया सबको? बताओ, नॉन लीनियर या फिर अंदर वाला नॉन पीरियोडिक होगा तो ओवरऑल फंक्शन अपना क्या कहलाएगा? नॉन पीरियोडिक कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है, क्या इसका पीरियड डिफाइन है? Yes, बताओ क्या इसको नॉन पीरियोडिक बोलेंगे अपन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इस वाले को भी क्या बोलोगे? देखो तो 1/2x+7 है, क्या non-periodic. ये नॉन पीरियोडिक? नॉन पीरियोडिक होगा। इसके बारे में बताओ। नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक होगा। क्या ये बातें सबको क्लियर है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए कोई कांस्टेंट फंक्शन जो है ना वो पीरियोडिक कहलाता है, लेकिन उसका फंडामेंटल पीरियड अनडिफाइंड है। ठीक है, क्यों अनडिफाइंड है ये आप सबको पता चल गया होगा। सोचो एफ एक्स इक्वल्स टू मैंने बोल दिया 5, कांस्टेंट फंक्शन है। आप बोलोगे पीरियोडिक तो है भाई, ग्राफ से भी देख लो तुम, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। तो अगर एफ एक्स इक्वल्स टू 5 का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा? एफ एक्स इक्वल्स टू 5, तो जो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे तो 1 के बाद रिपीट हो रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? क्या वो गलत बोल रहा है? यस सर, गलत बोल रहा है। बोलेगा सर 1 के बाद रिपीट हो रहा है, तो बोलोगे सर वो कितने भी नंबर के बाद रिपीट। हाँ, तो मतलब फिर बोलोगे चलो, एक बच्चा बोले सर ये तो हाफ के बाद रिपीट हो रहा है, तो तुम बोलोगे हाँ ठीक है। कोई बोलेगा सर 1/4 के बाद रिपीट हो रहा है, फिर से है। यानी कि अपन ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे जो भाई इसका लिस्ट वैल्यू क्या होगा, इसके पीरियड का लिस्ट वैल्यू क्या होगा, क्या अपन बता पाएंगे? क्या बोलेगा 0.00001 पे ले लो, तो कोई बोलेगा नहीं उससे छोटा और ले लो, फिर भी रिपीट कर रहा है। तो क्या अपन कह पा रहे हैं यहाँ पे इसका फंडामेंटल पीरियड डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है? पीरियोडिक तो है, ठीक है ना, पीरियोडिक है, बट फंडामेंटल पीरियड इसका डिफाइन नहीं है। समझ में आया सबको? यस। हाँ, आ गया। अब चलो अगर मैं तुमसे पूछूं जी, चलो यार मुझे एफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फंडामेंटल पीरियड बताओ, क्या बताओगे? अनडिफाइंड बताओगे? क्या इसका अनडिफाइंड होगा? क्योंकि ये 1 होता है किसके लिए? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। तो फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा? क्या अनडिफाइंड होगा? अरे यही बोलेंगे ना अपन? यस सर। यस, अभी ये कॉन्सेप्ट आगे क्वेश्चन आएगा मजेदार सा, ज्यादा नहीं करा रहा, आगे करेंगे एक साथ। चलो अब अपन बात करते हैं अगर दो फंक्शन पीरियोडिक हो, अगर दो फंक्शन पीरियोडिक है, एक एफ एक्स है दूसरा जी एक्स है, ठीक है ना, एफ एक्स और जी एक्स पीरियोडिक है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं साथ में। यहाँ पे हमने बोल दिया जो एफ एक्स इक्वल्स टू ले लो आप साइन एक्स, ठीक है, और जी एक्स इक्वल्स टू ले लो आप टेन एक्स, ठीक है, और चलो इधर एक अपन एच एक्स ले लेते हैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमने बोला एक वाई इक्वल्स टू तुम्हारा क्या है साइन एक्स प्लस टेन एक्स, और इधर वाई इक्वल्स टू तुम्हारा है साइन एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ऐसा है, ठीक है। तो इसने बोला जो देखो यार अगर दो पीरियोडिक फंक्शन है उसको अपन ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है ना, तो ये पीरियोडिक कहलाएगा। ये पीरियोडिक तब कहलाएगा और इसका पीरियड तब डिफाइन होगा जब क्या हो, अपन इन दोनों पीरियड का मतलब ये जो पीरियड देखो इसका 2π आ रहा है और इसका क्या आ रहा है π आ रहा है, अगर इसके बीच में पीरियड का अपन एलसीएम ले पा रहे हो तो। समझ में आया क्या? एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 जो होगा, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 तब डिफाइन होगा जब दोनों क्या हो, अगर इरेशनल हो। देखो अगर 2π और π का अगर आपको एलसीएम लेने के लिए बोला जाए तो आप क्या बोलोगे?
टू पाई और पाई का एलसीएम क्या हो जाएगा? टू पाई ऑफ टू पाई एंड पाई, ये क्या होगा? टू पाई, टू पाई होगा। एलसीएम तो लेना सबको आता होगा ना, क्योंकि दोनों सिमिलर है तो अपन बोल दिए टू पाई होगा, ठीक है। यस सर। अगर मैं बोलता एलसीएम ऑफ, एक रेशनल हो दूसरा इरेशनल हो, एलसीएम ऑफ, यहाँ पे मैंने बोल दिया टू पाई एंड फोर, नहीं आएगा तो बताओ क्या एलसीएम डिफाइन होगा? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड चलेगा। उसके बाद ऐसा सोच लो, एक बताओ एलसीएम ऑफ, अगर मैं बोल दू टू पाई बाय थ्री एंड पाई, अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या बताओगे? टू पाई, टू पाई होगा ऐसा? क्यों होगा भाई? यस सर, पैरेलल न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ये सिक्स क्लास में अपन पढ़ते हैं, पता है सिक्स क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो एलसीएम ऑफ ए बाय बी एंड सी बाय डी, अगर ये फाइंड करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है? ऊपर वाले के एलसीएम अपॉन एचसीएफ और डिनोमिनेटर, नीचे वाले का एच सी एफ। क्या याद है सबको? बी एस सर, ऐसा होता है, चलेगा। तो इसने बोला जो इसका पीरियड तो डिफाइन होगा, मतलब एलसीएम अगर पॉसिबल है, एलसीएम अगर एग्जिस्ट कर रहा है, पॉसिबल है, तब अपन बोलेंगे हाँ भाई इसका पीरियड डिफाइन, और वो पीरियड क्या कहलाएगा? दोनों का एलसीएम कहलाएगा। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे साइन एक्स है और टेन एक्स है, तो साइन एक्स का पीरियड बताओ क्या होता है? ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई? क्या एलसीएम आप फाइंड कर रहे हो टू पाई एंड पाई का, तो क्या ये तुम्हारा टू पाई के इक्वल आएगा? ऐसा है? हेलो, यस सर। अगर तुम राइट साइड वाला जो वो लिखा हुआ है, ये वाला साइन एक्स और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है, इसका पीरियड बताओ क्या होगा? टी टू क्या है तुम्हारा? तो वन है। क्या इसका एलसीएम पॉसिबल है? नो सर। तो इसका पीरियड डिफाइन होगा? नो सर। तो अपन क्या बोलेंगे? अनडिफाइन। ये बातें सबको क्लियर हैं? बताओ yes. अब देखो यहाँ पे देखते हैं, अगर अपने से पूछा जाए, यहाँ पे एफ एक्स है जिसका पीरियड क्या है? एफ एक्स है जिसका पीरियड अपना टी वन है, और एक फंक्शन जी एक्स है जिसका पीरियड अपना टी टू है, ठीक है, चलेगा। अगर अपन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स हो, या फिर एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, या एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो, अगर इसके पीरियड के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? एलसीएम ऑफ टी वन एंड टी टू प्रोवाइडेड देयर एलसीएम एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करेगा एलसीएम तो बोल देंगे हाँ इसके एलसीएम के इक्वल होगा, अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर बोलेंगे अपन पीरियोडिक होगा, बोलेंगे नॉन पीरियोडिक होगा। बातें क्लियर है सबको? बताओ। हेलो, ठीक है, चलेगा। तो अगर एलसीएम पॉसिबल नहीं होगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा? अपीरियोडिक कहलाएगा, या फिर नॉन पीरियोडिक कह सकते हैं, चलेगा इतना। हेलो, बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अगर एलसीएम पॉसिबल तो पीरियोडिक होगा, अगर एलसीएम पॉसिबल नहीं है तो नॉन पीरियोडिक होगा। बातें क्लियर है? एलसीएम भी आपको फाइंड करना आ गया। अगर इरेशनल इरेशनल होगा और सिमिलर टाइप का होगा तो एलसीएम पॉसिबल है, अगर रेशनल इरेशनल होगा तो एलसीएम पॉसिबल नहीं है। अगर ए बाय बी और सी बाय डी टाइप का होगा तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? तो ए और बी का अपन एलसीएम लेंगे और सी डी का अपन एचसीएफ लेंगे। क्लियर है सबको? क्वेश्चन सॉल्व करें अब। 15 पाई बाय 2 इसका पीरियड क्या होगा? टी वन बता दो किसके इक्वल है? क्या ये 2 पाई बाय, हाँ 2 बाय 3, और टी टू किसके इक्वल है भाई?
टू पाई अपॉन फोर बाय फाइव, तो ये टू टू गायब, तो क्या हो जाएगा, ये थ्री पाई हो जाएगा, और ये टी टू क्या आ गया आपका, तो क्या फाइव पाई अपॉन टू आएगा, ऐसा होगा। अब देखो तो क्या दोनों का एलसीएम पॉसिबल है क्या? यस सर, यस सर, 15 पाई बाय 2, 15 पाई, 15 पाई, 15 पाई जाएगा, नहीं ये वाला अप्लाई कर रहे होगे, नहीं ऊपर वाले का एलसीएम। यस सर, फाइव पाई अपॉन नीचे वाले का एचसीएम। एचसीएम सब तो आता है ना सबको, क्या होता है ऊपर में जाएगा 15 पाई, नीचे में जाएगा 1, और यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलेगा? यस। ये वही है, अगर ये पीरियोडिक है, ये अपना नॉन पीरियोडिक है, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे y इक्वल्स टू cos x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, क्या इसको अपन नॉन पीरियोडिक बोलेंगे? ऐसा ही बोलेंगे ना? Yes. क्यों बोलेंगे? इसका क्या होता है, पाई होता है, इसका पाई होता है, तो अब क्या अपन चेक करें टी बाई टू पे? एक तो सबने बता दिया है सर इसका तो टू, आप तो पाई रख लो, एक बार पाई बाय टू पे चेक करके देखते हैं। देखो तो अगर यहाँ पे एक्स प्लस टी बाय टू करें, यानी कि एफ एक्स प्लस पाई बाय टू करें, तो देखो तो राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, क्या ये साइन एक्स प्लस पाई बाय टू मोड कॉस एक्स प्लस पाई बाय टू, ऐसा बोलोगे तो देखो ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्या ये cos x के इक्वल आ जाएगा, चलेगा, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस sin x mod है, तो क्या ये sin x लिख सकते हैं अपन, क्या ये fx के इक्वल आया, क्या फंडामेंटल पीरियड जो कहलाएगा, क्या वो अपना पाई बाय टू आंसर आएगा, बताओ? सही है, यही आया था सबका। चलो इसके बारे में बताओ, ये क्या हो जाएगा? ऐसे इंडिविजुअल दोनों का पीरियड तुम्हें पता है, इसका पीरियड कितना बोलते हो? T1 पाई बोलते हो, T2 क्या बोलते हो आप? पाई बोलते हो, दोनों का एलसीएम लोगे तो पाई आया, लेकिन तुम चेक करोगे T by 2 पे, x plus T by 2 कर दो, यानी कि f x plus पाई by 2 कर दो, करो देखो क्या आ रहा है, क्या ये साइन x plus pi by 2 to the power 4 plus cos x plus pi by 2 to the power 4, तो इधर क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा, यानी कि cos x to the power 4, और क्या आ जाएगा, ये minus power 4 है, कोई दिक्कत नहीं होगा, even है, तो क्या ये fx के equal आया, यानी कि इसका जो fundamental period कहलाएगा, क्या वो pi by 2 होगा? होगा, सही बताया आपने। चलो इसके बारे में बताओ, सब पाई, पाई, बहुत बढ़िया, क्या इसका इसका पाई होगा, इस वाले का T1 देखो कितना आ रहा है, पाई है, T2 क्या है, ये भी पाई है, तो तुमने अभी पाई बता दिया, तो तुम चेक करना चाहोगे क्या ये x plus T by 2 पे अगर चेक करेंगे तो क्या आएगा, क्या ये x plus पाई by 2 लिखोगे, अगर ऐसा लिखे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन, क्या मैं फास्ट चल रहा हूँ क्या? नो सर, कॉस एक्स प्लस पाई बाय टू, ऐसा। अब सोचो साइन एक्स प्लस पाई बाय टू किसके इक्वल होता है? साइन कॉस पाई बाय, कॉस पाई बाय टू, कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या ये माइनस साइन एक्स होता है, तो मॉड लगा हुआ है, जिसको साइन एक्स लिखेंगे, देखो ये पलट गया, एफ एक्स रिलेट नहीं कर पाए, ये क्या आ गया, माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, यानी कि अपना काम नहीं बना, ठीक है ना, अगर fx के इक्वल आता तो बोलते हैं, तो क्या इसका फंडामेंटल पीरियड क्या कहोगे आप, पाई बोलोगे, समझ में आया, जो हम चेक कर रहे थे वो फेल कर गया, ठीक है जी। चलो इसका फटाफट बता दो, तो 1/3 पहले वाले का, 1/3 सर, दूसरे वाले का अनडिफाइंड,
दूसरा वाला का नॉन पीरियोडिक फाइन, चलो एनपी डाल देते हैं। फटाफट बताना है सबको, समझ में आना चाहिए। इस वाले के बारे में इस वाले के बारे में बताओ। गुड, चलो इस वाले के बारे में बताओ। फ्रैक्शन पार्ट जैसा आप बना लोगे नहीं? यस सर, क्योंकि पता है ग्रेटेस्ट एनीथिंग माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग जो होता है वो किसके इक्वल होता है? क्या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एनीथिंग बोल सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं। सोचो यहाँ पे क्या x प्लस 1/3 कर देते हैं माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/3 कर देते हैं, तो 1/3 हमने एक्स्ट्रा ऐड किया तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा होगा। तो सोचो ये वाला पार्ट आपका क्या आ गया, ये और ये बगल वाले को देखो क्या ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 बोलोगे माइनस 1/3। अब इसका पीरियड क्या कहलाएगा बताओ? क्या ये सबको समझ में आया है? यस सर। यस सर। इसके बारे में बताओ। 2 पाई अपॉन पाई, ठीक है। और ये क्या आ गया t2 आपका 1/1/5, तो ये 5 आ गया और ये आपका क्या आ गया t1 आपका 2 आ गया, 10 आएगा सर। 10 तो दोनों का LCM ले लो, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा LCM ऑफ किसका 2 and 5, तो क्या आ जाएगा 10 आंसर। बातें सबको क्लियर है ना यार? यस सर। यस सर। चलो इसका बता दो, सॉल्व कर चुके हो? 2 पाई। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसके बारे में बताओ। पाई। इसके बारे में बता दो बगल, इसका क्या था? 2 पाई। t1 आ गया 2 पाई और t2 आ गया आपका पाई। तो LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा t इक्वल्स टू LCM 2 पाई। 2 पाई आ जाएगा। अरे सबको आ रहा है ना समझ में? यस सर। यस सर, ये आंसर आ जाएगा। चलो इसका बता दो। अनडिफाइंड। गुड, यानी कि fx इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 1-1 क्या हो जाएगा 0 होगा। जीरो। यस। क्या इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड। हां, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या बोले? गुड, चलो इसके बारे में बताओ, क्या इसका भी वही होगा? अनडिफाइंड। चलो इसके बारे में बताओ। अनडिफाइंड सर। अनडिफाइंड सर। 5/2। गुड, फंसा एक बच्चा। इसका पीरियड होगा पाई। सोचो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है? देखो 1/cos आएगा, यहाँ पे भी sin/cos आएगा, तो cos नॉट इक्वल्स टू 0 बोलोगे, यानी कि x नॉट इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यही बोलोगे ना? बताओ यार। यस सर। क्या fx तुम्हारा 0 आएगा? fx तुम्हारा 0 नहीं 1 आएगा, कहाँ कहाँ पे? ये 1 जो आएगा वो कहाँ कहाँ पे आएगा बताओ। यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे तो undefined है, तो ग्राफ में क्या होगा, गड्ढा होगा यहाँ पे? यस सर। यस सर। बोलोगे ना जब, अब तो सर चेंज कर गया, पीरियोडिक हो जाएगा और इसका पीरियड क्या हो जाएगा पाई होगा। समझ में आया? इसीलिए बोला था उस टाइम, जो आगे करेंगे एक मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहां-कहां पे डिफाइन अनडिफाइन है, क्या ये माइनस पाई बाय 2, फिर यहाँ क्या होगा पाई बाय 2, फिर क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, ऐसा ग्राफ बनेगा क्या इसका? बोलो। माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और ये आ गया आपका 5 पाई बाय 2। बताओ तो इसमें रिपीटेशन कहाँ कब हो रहा है? पाई पे। पाई पे।
तो क्या इसका पीरियड अपन बोलेंगे? पीरियड क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। अरे आया ना सबको? यस यस। हाँ चलो इसके बारे में बता दो, इसका पीरियड क्या? पाई बाय टू। पाई बाय टू। पाई बाय टू। का पीरियड पाई बाय टू होगा। सॉल्व करना है या फिर हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। चलो इसका बता दो तो ग्राफ वन वन इसका पीरियड कितना है? वन 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 है। तो पीरियड वन होता है तो आप क्या बोलते हो सर? जो वन इंटरवल के बाद चीजें रिपीट करेगा, यही बोलते हो ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो सोचो आपको दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना आता है। ln का ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। पहले एक बार ln x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ऐसा बनता है? यहाँ पे ये 1,0 है। यस सर। यस सर। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसा बनता है? y इक्वल्स टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ऐसा ऐसा ही बनता है ना? सोचो माइनस 0, 1, 2 और 0 to 1 में फंक्शन क्या बोलते हो? क्या y equals to x बोल देते हो? फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू हो जाएगा। यस सर। यस सर। अगर भाई ये वन इंटरवल के बाद चीजें रिपीट कर रहा है तो अपन ऐसा करते हैं, जो वन इंटरवल में बात कर लेते हैं 0 to 1 में बात कर लेते हैं। तो 0 to 1 में क्या होगा? अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। y equals to ln फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है। हमने बोला इफ x belongs to 0 to 1, अगर x belongs to 0 to 1 होगा तो फ्रैक्शन पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? फ्रैक्शन पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? x के इक्वल होगा 0 to 1 में। फ्रैक्शन पार्ट देखो तो x के इक्वल होता है अगर इसको डिफाइन करते हो तो। अरे नहीं होता है क्या? इसका इक्वेशन क्या बोलते हो? y equals to x बोलते हो। इस वाले का इक्वेशन क्या बोलते हो? y equals to x minus 1 बोलते हो। इस वाले का इक्वेशन x minus 2 बोलते हो। ये y equals to x plus 1 बोलते हो। भूल गए सब क्या? ऐसा होता है? Yes sir। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर x belongs to 0 to 1 होगा तो क्या ये y equals to ln x हो जाएगा? Yes sir। ऐसा बोलोगे तो सोचो 0 to 1 में जैसा ग्राफ होगा क्या 1 से 2 में भी सिमिलर ग्राफ होगा? पीरियोडिक है। Yes sir। कर रहा है तो हमने 1 इंटरवल में बात कर लिया। तो सोचो 1 इंटरवल में तुम बात करोगे तो इस ग्राफ में कितना पार्ट तुम काट दोगे? इनपुट तुमने रखा 0 से 1, 1 पे गड्ढा है तो क्या ये वाला पार्ट तुम्हारे काम का है? ये वाला पर सर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। अरे यही होगा ना 0 से 1 तो 1 पे नहीं लेंगे। हां 1 पे गड्ढा कर गोला कर दिए तो 0 टू 1 में ऐसा ही लिखेंगे ना? यस यस सर। अब ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसा हो जाएगा? ये तुम्हारा y एक्सिस, ये तुम्हारा x एक्सिस, यहाँ तुम्हारा 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे तुम्हारा 2, यहाँ पे तुम्हारा 3। ठीक, अब चलो उसी ग्राफ को कट करके यहाँ पे पेस्ट करते। चलो कट पेस्ट। हाँ ये क्या चला गया? ऐसा होगा? बताओ भाई। यस यस सर। रिपीट करता रहेगा। yes, इधर भी रिपीट करेगा। समझ में आया इसका कुछ फायदा है? पीरियोडिक फंक्शन पढ़ने का फायदा दिख रहा है तो अपन इसका ग्राफ ड्रॉ कर ले। किस किस को ये आ गया अच्छे से समझ में बताओ? सर आ गया। आ गया सर। आ गया। चलेगा। अब बताओ इसका ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करना होगा तो कैसे करोगे? y equals to 1 upon 0 से 1 तक के लिए हाइपरबोला बना लेंगे उस वाले से। हां गुड। क्या अपन बात कर ले अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड जो है 1 है तो 1 इंटरवल में अपन बात कर लेते हैं। यानी कि अपने को पता है 1 इंटरवल में क्या ले लोगे? इफ x belongs to 0 to 1 तो क्या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो होता है क्या वो x के इक्वल हो जाता है? ऐसा हो जाता है तो देखो तो क्या ये y equals to 1 upon x हो जाएगा इस वाले इंटरवल में? हो जाएगा। और 1 upon x का ग्राफ तो तुम्हें ड्रॉ करना आता है जैसे x एक्सिस y एक्सिस ऐसा बन जाएगा हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है ना?
ऐसा बनेगा, ये टच नहीं कर रहा है। ऐसा ठीक है। तो सोचो अपने को कितना पार्ट काटना चाहिए, अपन इनपुट जो दे रहे हैं उसको क्या दे रहे हैं, 0 to 1 दे रहे हैं। तो 0 to 1 से 1 यहाँ पे आ गया, इतना कट कर लेते हैं, 1 इसमें है भी नहीं, गड्ढा कर दो। तो अपने काम का ग्राफ क्या ये वाला पार्ट होगा और यही वाला पार्ट क्या रिपीट करता रहेगा क्योंकि पीरियोडिक है, तो 1 इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। जैसा 0 से 1 में बना वैसे ही 1 से 2 में बनेगा, वैसे ही 2 से 3 में बनेगा, ऐसा आप बोलोगे? बताओ जी। यस सर। हाँ, ये एक्स एक्सिस, और चलो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, y = 1। तो बताओ पीरियोडिक फंक्शन कैसा लगा तुम्हें, संबंध में कुछ आया? यस सर। तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ये 1 है, फिर 1 से 2 के बीच में ऐसा ही बन जाएगा, ये 2 है, फिर ऐसा बन जाएगा 3 में, फिर ऐसा बन जाएगा 4 में, आगे रिपीट करता जाएगा। क्या ऐसे ही आगे पीछे बनता रहेगा? पीरियोडिक है, 1 इंटरवल के बाद चीजें रिपीट करेगा। बात समझ में आ रही है सबको? यस यस सर। तो अब आपका होमवर्क देख लो, मैं बोल रहा हूँ फिर से, प्रेडक सुन लो तुम। यस सर। आपको घर से सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन और ये वाला भी, और अगले क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। और आपका होमवर्क क्या होगा, जितना भी इनटू ओनटू का क्वेश्चन मिलेगा सब कर डालो, पीरियोडिक का, हाँ पीरियोडिक का भी चलो ट्राई कर लो, कर डालो। उसके बाद अपन क्या पढ़ चुके हैं, इवन ऑड पढ़ चुके हैं ना, इवन ऑड का कर डालो, इतना कर लेना, ठीक है? ओके, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, एक बोलना था, संडे को ना, संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी जिसमें अपन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है? पैरेलल में चलता रहेगा, सिंपल सा पार्ट है, बहुत टफ तो है नहीं। डिटरमिनेंट से स्टार्ट करेंगे, वैसे मैट्रिक से स्टार्ट करना चाहिए, तो डिटरमिनेंट से कर रहे हैं क्योंकि वो छोटा है, जल्दी समाप्त हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा तुम्हें। ओके, तो कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी 6 to 9 या 6 to 8 देख लेते हैं, बता दूंगा मैं। ओके ओके, थैंक यू।